भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा कन्याओं के विवाह में होने वाली देरी के संबंध में है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि कन्या के विवाह में देरी होने का क्या कारण होता है और इसका क्या समाधान है, क्या उपाय है। प्रिय दर्शकों, कन्या के विवाह में देरी होने के भौतिक और ज्योतिषीय कारण होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समय के साथ साथ बच्चियां भी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में वे उनका मुकाबला कर रही हैं और बहुत योग्य बन रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनकी योग्यता के अनुसार बराबर योग्यता रखने वाला बच्चा अर्थात वर अवश्य होना चाहिए। कन्याओं की योग्यता के साथ साथ वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है कि उनकी मानसिकता को समझने वाला व्यक्ति भी हो, जिससे कि विवाह के उपरांत पारिवारिक स्थितियां किसी भी दशा में विपरीत नहीं बने। बच्चियों के विवाह में देरी होने के ये भी कारण होते हैं कि इन सभी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए जब वर ढूंढा जाता है, जब उचित योग्य लड़का ढूंढा जाता है, तो बहुत कम वर ऐसे मिल पाते हैं जो कि इन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। ज्योतिषीय कारण भी विवाह में देरी के होते हैं। मुख्य रूप से कन्याओं के लिए विवाह में बृहस्पति कारक होता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि कन्याओं के लिए वैवाहिक जीवन का कारक है। शुक्र जो कि सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भोग विलास इत्यादि की व्यवस्थाओं को बनाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः वैवाहिक जीवन में भी शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ ही ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के अध्ययन के अनुसार जो सप्तमेश है, लग्न कुंडली में जो सप्तमेश ग्रह है, उसके कारण भी विवाह में देरी हो सकती है। यदि सप्तमेश शनि हो और अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हो तो निश्चित रूप से विवाह में देरी होती है। इसी प्रकार से सप्तमेश अपने नीचस्थ हो अथवा नीचानुगामी हो, नीचाभिलाषी हो और नवांश में भी सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं हो तो या तो कन्या के विवाह में देरी होगी या फिर विवाह के उपरांत भी उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी। इस प्रकार जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अनुसार ग्रहों की बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे कि विवाह में देरी हो जाती है। इस प्रकार से होने वाली इस विवाह में होने वाली इस देरी को दूर करने के लिए, इस विलंब को दूर करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। विभिन्न व्यक्तियों की कुंडली के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं, किंतु आज हम आपको एक साधारण और सामान्य उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय सभी कर सकते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है वे सभी कन्याएं इस उपाय को कर सकती हैं। फिर भी जन्म कुंडली के अनुसार जो विशेष उपाय हों उन्हें भी करना चाहिए। आज हम आपको जो यह उपाय बताने जा रहे हैं यह भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है, अर्थात भगवान उमाशंकर से संबंधित है। भगवान शिव एवं पार्वती हमारे लिए वैवाहिक जीवन में मंगल एवं शुभत्व देने वाले होते हैं। इनकी कृपा से विवाह अच्छा संपन्न होता है, समय पर संपन्न होता है और विवाह के उपरांत भी वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है। प्रिय दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो वे स्कंद पुराण में बताए गए इस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ, इस मंत्र के जप के साथ साथ कन्याओं को भगवान शिव का
जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद दूध में केसर की कुछ पत्तियां मिलाकर केसर मिश्रित उस दूध से अभिषेक करना चाहिए और फिर से शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ साथ इसी मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव एवं पार्वती का श्रृंगार एवं उनकी जो भी उपचार उपलब्ध है अर्थात जो भी सामग्री उपलब्ध है उनके द्वारा पूजा करनी चाहिए। सौभाग्य सामग्री माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए और भगवान शिव एवं पार्वती को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरा विवाह समय पर और अच्छे से संपन्न करवाएं, उचित और अच्छा वर मुझे प्रदान करें। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा नित्य अभिषेक करने से और इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से बालिकाओं के विवाह में जो देरी हो रही है वह दूर होगी और उचित समय पर सही समय पर शीघ्र ही अच्छे वर के साथ इनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होगा। मित्रों, यह मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुने एवं नोट कर लें। यह मंत्र है ओम सर्व मंगल रूपाढ्या सर्व कल्याणदायकः राजराजेश्वरी श्रीमद् राजराज प्रियंकरः ओम सर्व मंगल रूपाढ्या सर्व कल्याणदायकः राजराजेश्वरी श्रीमद् राजराज प्रियंकरः। स्कंद पुराण में बताए गए इस मंत्र के साथ यदि कन्याएं नित्य प्रतिदिन भगवान शिव एवं पार्वती का अभिषेक एवं पूजा करती हैं तो निश्चित रूप से शीघ्र ही उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष आने वाली महाशिवरात्रि को अवश्य करें। महाशिवरात्रि को इस विशेष प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों का ऐसा कथन है कि महाशिवरात्रि को यह प्रयोग करने से विशेष अनेकों गुना फलदायी होता है। आशा है कि आप सभी इस मंत्र का लाभ ले सकेंगे। ओम स्वस्ति।